दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहेगी वो है हाल ही में शुरू हुई जयपुर से असरावा अहमदाबाद के बीच चले वाली 12981 जयपुर असरावा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है और ये रोज़ाना चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है जो रोज़ाना जयपुर जंक्शन से चलकर फुलेरा, अजमेर, भीलवाड़ा, मावली, उदयपुर सिटी, डूंगरपुर, हिम्मत नगर के रास्ते अगले दिन सुबह में असरावा अहमदाबाद पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की तो यह ट्रेन जयपुर से असरावा की कुल दूरी 725 किलोमीटर को करीबन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 13 घंटे और 15 मिनट में तय करती है। दोस्तों, इस ट्रेन का 15 स्टेशनों पे ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में लगने वाले कोचेज की तो इस ट्रेन में LHB रेक श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें स्लीपर के 6, थर्ड AC के 2, सेकंड AC का 1, फर्स्ट AC का 1, SLR का 1 और एक कोच जनरेटर कार का रहता है। दोस्तों, अगर बात करें इस ट्रेन का जयपुर से असरावा अहमदाबाद तक के किराए की तो इस ट्रेन का फर्स्ट AC का किराया रहता है 2620 रुपये, सेकंड AC का किराया 1565 रुपये, थर्ड AC का किराया 1110 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 425 रुपये, तो वहीं जनरल क्लास का किराया 215 रुपये रहता है। दोस्तों, यह किराया जयपुर से असरावा अहमदाबाद तक का है लेकिन यह अपडेटेड किराया नहीं है क्योंकि रेलवे समय समय पर इस किराए में बदलाव करता रहता है। इसलिए अपडेटेड किराए किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12981 जयपुर असरावा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रोज़ाना जयपुर जंक्शन से शाम में 7:35 पर रवाना होगी। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचेगी फुलेरा जंक्शन रात में 8:15 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 8:17 पर यहाँ से रवाना होकर अपने अगले ठहराव किशनगढ़ पहुँचेगी रात में 8:57 पर और यहाँ पर भी 2 मिनट ठहराव लेने के बाद यह ट्रेन पहुँचेगी अपने अगले ठहराव अजमेर जंक्शन रात में 9:35 पर। दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट ठहराव रहेगा और यहाँ से रात में 9:40 पर रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचेगी नसीराबाद रात में 10:08 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 10:10 पर यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचेगी अपने अगले ठहराव भीलवाड़ा रात में 11:30 पर और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 11:35 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, चंदेरिया यह ट्रेन पहुँचेगी रात में 1:05 पर और 3 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:08 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले ठहराव मावली जंक्शन रात में 2:10 पर 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 2:12 पर यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचेगी अपने अगले ठहराव राणा प्रताप नगर रात में 2:45 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 2:47 पर यहां से चलकर अपने अगले ठहराव उदयपुर सिटी पहुँचेगी सुबह में 3:15 पर और दोस्तों करीबन 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:25 पर यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचेगी अपने अगले ठहराव जावर 3:51 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:53 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, डूंगरपुर यह ट्रेन पहुँचेगी सुबह में 4:58 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद सुबह में 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, शामलाजी रोड यह ट्रेन पहुँचेगी सुबह में 5:48 पर और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:50 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, हिम्मत नगर जंक्शन यह ट्रेन पहुँचेगी सुबह में 6:55 पर और करीबन 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 6:57 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। दोस्तों, नांदलोद देहग्राम यह ट्रेन पहुँचेगी 7:57 पर और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:59 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचेगी अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज सरदार ग्राम 8:25 पे, और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:27 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचेगी अपने लास्ट स्टॉपेज असारवा सुबह में 8:50 पे, और यहाँ तक 725 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेगी। तो दोस्तों ये थी 129/1 जयपुर असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।